हेलो सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे हैं, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा तीन इवेंट्स के लिए तो उसके रिमार्क्स हैं तो पहला रिमार्क इफ थ्री इवेंट्स ए बी सी आर पेयर वाइज वाइज मतलब दो दो करके लेना पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है अगर ए बी सी में से पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है देन दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पेयर वाइज का मतलब होता है दो दो करके लेना दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब है तीनों लेके एक साथ तो एक्चुअली ये बोलना क्या चाह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो है बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी जीरो है सी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी जीरो है पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो तीनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़ीरो होगी वो ऐसे भी देख सकते हैं जब दो दो में कोई कॉमन नहीं है जब दो दो में कोई कॉमन नहीं है तो तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं है ये डायग्राम में भी दिखेगा जब दो दो में कुछ कॉमन नहीं है तो तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं होगा तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं ये ये हो गया पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो इन तीनों को बोलते हैं पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू कन्वर्स इज नॉट ट्रू कि मतलब दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सो दे विल भी पेयरवाइज ऐसा ज़रूरी नहीं है तो वाग्राम से देख सकते हैं तो हम लोग रिमार्क निकालें कि पेयरवाइज म्यूचुअली एक्सक्लूजिव है तो देन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज True, कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो देखो ना पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, पर और एक्चुअली दे आर एक्सक्लूसिव। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है पर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट के लिए वही तीन इवेंट्स के लिए इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं इफ़ थ्री इवेंट्स इफ थ्री इवेंट्स ए बी सी इफ थ्री इवेंट्स ए बी सी आर इंडिपेंडेंट तो कैसे चेक करते हैं तो पहले दो दो करके चेक करते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी होगा प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू प्रोर्टी ऑफ बी प्रॉपर्टी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी होगा प्रॉपर्टी ऑफ बी इंटू प्रॉवर्टी ऑफ सी प्रोपर्टी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए होगा प्रॉपर्टी ऑफ सी इंटू प्रॉपर्टी ऑफ ए इसको बोलते हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट पेयरवाइज इंडिपेंडेंट फिर तीनों का लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो प्रोड्यू ऑफ ए इंटू प्रोड्यू ऑफ बी इंटू प्रोड्यू ऑफ सी इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट तो इसको बोलेंगे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और अगर ये चारों कंडीशन ट्रू हैं अगर ये चारों कंडीशन ट्रू हैं तब बोलेंगे ए बी सी आर इंडिपेंडेंट ए बी सी आर इंडिपेंडेंट तो एक्चुअली दो इवेंट के लिए ए और बी के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन चेक की थी प्रॉवर्टी ऑफ ए इंटर सेक्शन बी इक्वल टू प्रॉवर्टी ऑफ ए इंट प्रोवर्टी ऑफ बी लेकिन तीन इवेंट्स के लिए चार कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं पहले पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट तो अगर ये चारों ट्रू हैं तो ऑल आर इंडिपेंडेंट नेक्स्ट अगर ये सब इंडिपेंडेंट है तो ये चारों कंडीशन भी ट्रू होंगी इफ़ दे आर इंडिपेंडेंट तो चारों कंडीशन भी ट्रू है नेक्स्ट अगर दो इवेंट में हमने एक ही कंडीशन चेक की तीन इवेंट के लिए हमने चार कंडीशन चेक की तो ऐसे अगर एन इवेंट्स हैं तो कितनी कंडीशंस चेक करेंगे तो एफ इफ, इफ एन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो हमें कितनी कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगे देन टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस देन टोटल नंबर ऑफ़ कंडीशन कितनी चेक करनी पड़ेंगी तो पहले दो दो लेके चेक करनी पड़ेगी एन सी टू तीन तीन ले चेक करनी पड़ेगी एन सी थ्री चार चार लेकर चेक करनी पड़ेगी एन सी फोर फिर सारे लेने पड़ेंगे एन सी एन नेक्स्ट इसमें शुरू के टर्म मिसिंग है एन सी जीरो और एन सी वन वो ऐड कर दिए तो सब ट्रेक भी करने पड़ेंगे एन सी ज़ीरो एन सी वन नेक्स्ट तो इस पूरे का सम आ जाएगा टू रेज टू एन बाइनोमियल थ्योरम से और एन सी नॉट होता है वन एन सी ए वन होता है एन तो इतनी कंडीशनस चेक करनी पड़ेगी तो सपोज एन इक्वल टू थ्री था तो कितनी कंडीशन चेक करनी पड़ी टू रेस टू थ्री माइनस वन माइनस थ्री तो यानी एट माइनस वन माइनस थ्री विच इज़ फोर तो अगर तीन इवेंट्स थे तो कितनी कंडीशन चेक करनी पड़ी चार तो अगर चार इवेंट होते तो कितनी कंडीशन चेक करते हैं टू रेस टू फोर माइनस वन माइनस फोर यानी सिक्सटीन माइनस वन माइनस फोर तो यह आता एलेवन तो ग्यारह कंडीशन चेक करनी पड़ती तो चार चार इवेंट के, के केस में ग्यारह कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी पहले दो दो लेके फिर तीन तीन लेके फिर चार चार लेके नेक्स्ट एक एग्जाम्पल में समझते हैं कि म्यूचुअल पेयरवाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड पेयरवाइज इंडिपेंडेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो ये हमें पांच चीज़ें चेक करनी है तो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें वो पांचों चीजें चेक करनी है क्या क्या पेयरवाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हमें वो पांच कंडीशन चेक करनी है पेयरवाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयरवाइज इंडिपेंडेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और आर द इवेंट्स इंडिपेंडेंट क्या वो तीनों इंडिपेंडेंट है तो ये चेक करना है तो मैथमेटिकली पूरा चेक होगा तो करते हैं तो एक्सपेरिमेंट क्या है दो कॉइन टॉस किए हैं तो दो कॉइन टॉस किए हैं तो आउटकम्स क्या क्या आते हैं हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल तो ए ए क्या है तो ए क्या है हेड अक्रिंग ऑन फर्स्ट टॉस तो आउटकम आएगा हेड टेल और हेड हेड बी बी में सेकेंड टॉस में हेड आया तो टेल हेड 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 सी सी में हेड एक ही बार आया तो हेड टेल टेल हेड नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी आएगा एच एच बी इंटरसेक्शन सी आएगा टी एच और सी इंटरसेक्शन ए सी इंटरसेक्शन ए आएगा एच टी और तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो आएगा नल सेट तो देखो तो टोटल तो तो आउटकम्स हो गए फोर और सारे इवेंट्स तो लिख ही लिए हम लोगों ने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा टू बाई फोर वन बाई टू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना आएगा बी वन बाई टू प्रॉबर्टी ऑफ सी कितना आएगा वन बाई टू तो इसका मतलब दे आर नॉट पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्योंकि कोई भी नल सेट नहीं है जीरो नहीं आ रहा तो दे आर नॉट पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो ये नॉट पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो आएगा जीरो क्योंकि नल सेट है तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नेक्स्ट प्रॉबर्टी ऑफ ए इज इक्वल टू अच्छा प्रॉवर्टी ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया वन बाय फोर प्रॉबर्टी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना आया वन बाय फोर प्रॉबर्टी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए कितना आया वन बाय फोर तो प्रॉवर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रॉवर्टी ऑफ ए पी ए इंटू पी बी क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो पी ए और पी बी को तो वन बाय फोर आएगा तो ये भी सही है तो सिमिलरली प्रॉबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी आएगी प्रॉपर्टी ऑफ बी इंटू प्रॉवर्टी ऑफ सी और सिमिलरली प्रॉवर्टी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए आएगा प्रॉबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ ए तो देखो ये इंडिविजुअल प्रॉबर्टीज जीरो नहीं आई इसलिए नॉट पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सेलिज्म पर तीनों का इंटरसेक्शन नल सेट है तो म्यूचुअल एक्सेलिज्म और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है क्योंकि दो दो वाले कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रॉबिलिटी अगर देखें तो वो जीरो है विच इज़ नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी विच इज़ नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी तो यानी ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है और चारों कंडीशन में से एक कंडीशन फेल हो गई तो यानी ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है तो दीज इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है तीन इवेंट्स हैं एग्जैक्टली exactly दो इवेंट्स अकर करें अच्छा ए और बी में ही सिर्फ ए और बी ये सी का केस नहीं है इसके अंदर तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो एक्जैक्टली ए काकर करें प्रॉरिटी बी है बी और सी में भी एक्जैक्टली एक आकर कर कर पी है सी और ए में भी एक्जैक्टली एक आकर करके पी है तीनों एक साथ आकर कर इसकी प्रॉपर्टी पी स्क्वायर है ए बी सी एग्जॉस्टिव इवेंट है इसका मतलब है ए यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी सैम्पल स्पेस है तो प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आएगा वन तो हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पी की वैल्यू इक्वेशन इक्वेशन कंडीशन तो कंडीशन हमें क्रिएट करनी होगी तो करते हैं तो ए और पहली वाली से तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉबलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉवर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी फिर दूसरी वाली कंडीशन प्रॉवर्टी ऑफ बी प्लस प्रॉवर्टी ऑफ सी माइनस प्रॉवर्टी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी प्रॉवर्टी ऑफ सी इंटर तीसरी कंडीशन प्रॉवर्टी ऑफ सी प्लस प्रॉवर्टी ऑफ ए माइनस प्रॉवर्टी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू पी लास्ट कंडीशन प्रॉवर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ईक्वल टू पी स्क्वायर ये चौथी कंडीशन और लास्ट कंडीशन प्रॉवर्टी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वन है तो हम लोग यूज़ करेंगे रिमार्क ए यूनियन बी यूनियन सी इजिकल टू प्रोवर्टी ऑफ ए प्लस प्रोवर्टी ऑफ बी प्लस प्रोवर्टी ऑफ सी माइनस प्रोवर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोवर्टी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोवर्टी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोवर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो देखो ना ये आ गया वन अच्छा ये कैसे निकालेंगे तो ये अपने को पूरा निकालना है तो ये तीनों को ऐड कर दो तो ये तीनों को ऐड करोगे तो ये टू टाइम्स पी हो जाएगा टू टाइम पी हो जाएगा टू टाइम पी हो जाएगा और साथ में ये भी आ जाएगा अच्छा एक मिस्टेक हो गया तो इसमें मिस्टेक क्या हुआ कि जब हमें बोला गया तो इसमें एक मिस्टेक हो गया कि ए और बी में एक्जैक्टली एक अक्कर करेगा तो ये टू टाइम्स सब करना पड़ेगा क्योंकि अगर वैन डाइग्राम में देखें तो ये ए है ये बी है तो एक्जैक्टली एक अक्कर करे तो ये ए आएगा ये बी आएगा तो ये जो कॉमन रीज़न है ये कॉमन रीज़न ए में एक बार ऐड हुआ बी में एक बार ऐड हुआ तो दोनों बार ऐड हुआ है दो बार ऐड हुआ है तो दोनों बार सब करना पड़ेगा तो ये जो कॉमन रीजन है वो दो बार ऐड हुआ है तो दो बार सबट्रैक करना पड़ेगा तो ये एक छोटा सा मिस्टेक था कि टू से मल्टीप्लाई करना चाहिए था मेरे को ठीक है अब इन तीनों को ऐड कर दो तो ये आएगा टू टाइम पी ए टू टाइम पी बी टू टाइम पी सी और टू टाइम्स ये सब तो इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी ऐड किया है तो थ्री पी और उधर लेफ्ट में टू टाइम्स आ रहे होंगे तो थ्री पी बाई टू तो ये आ जाएगा थ्री पी बाई टू प्लस ये एक दे ही रखा है पी स्क्वायर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो टू इज इक्वल टू तो थ्री पी प्लस टू पी स्क्वायर तो ये आ जाएगा टू पी स्क्वायर प्लस थ्री पी माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसको सॉल्व करेंगे तो दो रूट्स आएंगे एक आता है माइनस टू और एक आता है वन बाई टू पर प्रॉब्लिटी कैन नेवर बी नेगेटिव तो पी इज इक्वल टू हाफ क्योंकि प्रॉब्लिटी हमेशा जीरो से वन के बीच में होती है तो आंसर जो भी आएगा वो जीरो सेवन के बीच में ही आना चाहिए तो हाफ़ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है एक टाउन में तीन क्लब हैं एक टाउन में तीन क्लब है ए बी सी हर क्लब में ए क्लब में चालीस पी क्लब में पचास सी क्लब में साठ मेंबर हैं दस लोग ऐसे हैं जो तीनों क्लब के मेंबर हैं सत्तर लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली exactly एक ही क्लब के मेंबर हैं तो हमें बताना है कि एक्जैक्टली exactly दो क्लब के मेंबर हो तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक्जैक्टली दो क्लब के मेंबर हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो थोड़ा ट्रिकी है ये तो वेन डायग्राम से करते हैं वेन डायग्राम से बहुत ईजी लगने लगेगा तो ये है ए बी सी नेक्स्ट टाउन में तीनों क्लब के मेंबर हैं तो हर आदमी कोई ना कोई क्लब का मेंबर है तो ऐसा नहीं है कि कोई कोई आदमी किसी क्लब का मेंबर नहीं है तो ऐसे ज़ीरो है तो कोई आदमी किसी क्लब का मेंबर नहीं है ऐसा सिर्फ जीरो है ठीक है अब आता है मान लो तीनों क्लब के मेंबर कितने हैं दस और जो एग्जैक्टली exactly दो क्लब के मेंबर मैंने ए और बी मान लिया एक्स ये मान लिया वाई और ये मान लिया जेड तो एग्जैक्टली exactly ए के कितने मेंबर होंगे इसके होंगे फोर्टी माइनस टेन माइनस एक्स माइनस जेड वाई वाई तो B के एग्जैक्टली exactly कितने होंगे 50 माइनस एक्स माइनस जेड माइनस टेन सी के एग्जैक्टली exactly कितने होंगे 60 माइनस वाई माइनस जेड माइनस टेन इतने मेंबर्स होंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए के हैं 30 माइनस एक्स माइनस वाई बी के एग्जैक्टली exactly बी के सिर्फ एक एक तो 40 माइनस एक्स माइनस जेड और 50 माइनस वाई माइनस जेड तो एक्जैक्टली exactly एक क्लब के मेंबर कितने होंगे थर्टी माइनस एक्स माइनस वाई प्लस फोर्टी माइनस एक्स माइनस जेड प्लस फिफ्टी माइनस वाई माइनस जेड और ये क्वेश्चन ने दे रखा है सेवेंटी ठीक है तो पचास चालीस नाइन्टी वन ट्वेंटी माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेवेंटी तो टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी माइनस सेवेंटी फिफ्टी तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 25 हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है एक्जैक्टली दो क्लब के मेंबर एग्जैक्टली टू क्लब्स मेंबरशिप तो इस हिसाब से देखें तो वो होगी एक्जैक्टली दो क्लब कौन है x y z तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन टोटल अब टोटल कैसे निकालेंगे तो टोटल ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया तो टोटल कैसे ऐड करेंगे एग्जैक्टली exactly एक इवेंट के एग्जैक्टली exactly एक क्लब के तो वो हो गए सत्तर एग्जैक्टली दो क्लब के और एग्जैक्टली तीन क्लब के तो ये हो गए टोटल तो ये आ जाएगा टोटल तो ये कितना आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ट्वेंटी फाइव तो ये आएगा सेवेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस टेन विच इज़ वन ज़ीरो फाइव तो ये आ जाएगा वन ज़ीरो फाइव तो प्रॉबलिटी कितनी आएगी ट्वेंटी फाइव अपॉन वन ज़ीरो फाइव तो विच इज़ फाइव बाय ट्वेंटी वन तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो आंसर इज फाइव बाय ट्वेंटी वन